शेडिंग में ताजमहल बनाना स्टार्ट किया था। अब हम इसे आज बचे हुए इसका पोर्शन कंप्लीट करेंगे। कल हमने स्केचिंग की थी और कुछ शेडिंग कर लिया था, अब आज इसका बचा पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज हम शेडिंग स्टार्ट किया तो मैं इसे 8P की पेंसिल से कर रही हूँ। थोड़ा वो डार्क दिखाना है तो ये 10B की पेंसिल ली मैंने। Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
हमें पोर्शन बिल्कुल सेम रखना है इसके। Thank you.
पोर्शन करेंगे। देखिए इधर हमने ये डार्क बनाया, इधर ये लाइट, क्योंकि ये लाइट का रिफ्लेक्शन इधर से है, तो इस तरफ ये लाइट का इफेक्ट आया, डार्क का पोर्शन साइड में हो गया। Thank you.
Thank you.
Thank you.
हमें पानी दिखाना है तो पानी में हमें शेडो देनी है। Thank you.
Oh,
Thank you.
तो हम इसका स्काई करेंगे, तो स्काई के लिए स्मजिंग करेंगे हम स्काई में, स्मजिंग करना पड़ेगा कॉटन से। मैं कर रही हूँ यहाँ पर ब्लैक कॉटन जो मैंने यूज की हुई है। थोड़ी हाईलाइट देने के लिए मैं यहाँ फ्लूइड का यूज करूंगी। जैसे यहाँ जो ये हमने बीच में फाउंटेन बनाया है, तो इसमें हम थोड़ी यहाँ हाईलाइट देंगे। पानी में शेडो के लिए, अगर आपके पास फ्लूइड नहीं है तो आप वाइट पोस्टर कलर या वाइट एक्रेलिक कलर का यूज कर सकते हैं। जहाँ फ्लूइड का यूज करते हैं ना, उसके साइड में जरूर डार्क कलर की लाइंस होती हैं, तभी व्हाइटनेस निकल के आती है। बट से ब्लैकिश चाहिए तो भी थोड़े स्पेस में, यहाँ से अगर हम कॉटन से करते तो सारा साथ में इसकी बाउंड्री भी समझ हो जाएगी। या आप यहाँ टिश्यू का यूज कर सकते हैं। बन गया है हमारा ताजमहल। आपको कैसा लगा प्लीज आप अपने व्यूज कमेंट जरूर करिए। अगर आपको मेरा आर्टवर्क अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ।
और अपने व्यूज कमेंट जरूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए. थैंक यू वेरी मच.